तो उधर प्रदेश में अगली सरकार बिना कांग्रेस के समर्थन के नहीं बन पाएगी। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है, ये कहना है कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा का। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सहारा समय संवाददाता रजत सिन्हा ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना है, उनसे जानेंगे मैडम क्या रणनीति होगी कांग्रेस की और जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने कमान संभाली और लगातार अब कांग्रेस जो है जमीन पर भी दिख रही है। देखिए, जब से 2019 में प्रियंका जी ने जिम्मेदारी ली थी उत्तर प्रदेश के महासचिव के रूप में, तब से लगातार प्रयासरत हैं। कांग्रेस की एक लंबे समय तक, क्योंकि सत्ता में नहीं रही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, संगठन में कहीं कहीं हमारी विफलताएं रहीं, कमजोरियां रहीं, तो उन सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रियंका जी ने प्रयास किया है। अगर आप 2 वर्ष के पार्लियामेंट चुनाव के बाद का अगर आप समय देखें, तो चाहे वो कोरोना का समय रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बड़ी घटनाएं हो, चाहे उन्नाव की रही हो, शाहजहांपुर की रही हो, हाथरस की रही हो, या किसानों से जुड़ा मुद्दा लखीमपुर का रहा हो, मुख्य विपक्ष की भूमिका में अगर कोई नज़र आया है तो वो कांग्रेस पार्टी नज़र आई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनता के बीच में जाएंगे। किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, बेरोजगारों की जो समस्याएं हैं, सरकार ने कहा था 70 लाख नौकरी देंगे, खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि 4 लाख नौकरी दे पाए हैं वो, ये उनकी बड़ी विफलता थी। किसानों के कर्ज माफ़ की बात करी, कर्ज माफ तो जो उन्होंने जिस तरह से किया वो सब जानते हैं। इसके अलावा लखीमपुर जैसी घटना जिसमें किसानों की गाड़ियों से रौंद करके मौत हुई और उस पर आरोपी कौन था? देश के गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे, उनके समर्थक। तो किसानों के साथ जितना बड़ा छल किया गया और SIT की रिपोर्ट आने के बाद भी अभी तक उन पर कार्यवाही नहीं की गई। महंगाई का एक बड़ा विषय है, उसको लेकर के भी हम जनता के बीच में जाएंगे। उसने हर वर्ग को प्रताड़ित कर रखा है और महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई हैं, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किससे अपनी लड़ाई मान रही है? देखिए, आज की तारीख में जो सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, तो लड़ाई तो उसी से है। और उस भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय हैं, जो लोकहित में नहीं है, जनहित के खिलाफ हैं, उन्हीं के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती आई है। तो हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। तो प्रमुख रूप से तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा वैचारिक भी, सैद्धांतिक भी और मुद्दों का, तीनों का जो संघर्ष है, और उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और खुद जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं। वो कांग्रेस को कहते हैं कि वो जीरो रहेगी और प्रियंका गांधी की भी टिप्पणी आती है कि बड़ी मेहनत हुई, आने वाले रिजल्ट बताएंगे। नहीं, प्रियंका जी ने कभी भी कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करी और नहीं कभी मैंने पढ़ी, नहीं देखी है। अब अखिलेश जी का व्यक्तिगत कोई भी राय हो सकती है, हो सकता है उनको इस तरह का फीडबैक उनकी पार्टी के लोग दे रहे हैं जो ज़मीन से जुड़े फीडबैक नहीं है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में हम अगर लगातार लोग ये जानना चाहते हैं कि तब आज तो आ रहे हैं अखिलेश, तब कहाँ थे अखिलेश जब उत्तर प्रदेश में कोरोना में हम लोग कांग्रेस के लोग लोगों की मदद कर रहे थे, मजदूरों की मदद कर रहे थे, बसें भेज रहे थे, उस वक़्त हम लोग तो सड़कों पे थे। और समाजवादी पार्टी के नेता कहाँ थे, अध्यक्ष कहाँ थे, वो लॉकडाउन में थे। तो ये ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सजग है। बड़ी घटनाएं जो हुई, चाहे लखीमपुर की हुई हो घटना या महिलाओं के प्रति जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, महंगाई को लेकर, जो रोजगार को लेकर आंदोलन हुए, लाठीचार्जिंग, उसमें कौन सबसे पहले नजर आया, तो ये तो जनता जानती है, जनता के बीच में है ये बात। तो ये किसी के कहने से कि कौन जीरो सीटें आएंगी, ये भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता, पर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी से मेहनत करके और हम 100% मजबूत प्रत्याशियों को लेके जनता के बीच में। सत्तारूढ़ दल समेत अन्य विपक्षी दल भी दूसरे दलों से गठबंधन कर रहे हैं,
कांग्रेस की क्या रणनीति होगी इस मामले में? हालांकि मुझे याद आ रहा है कि प्रियंका जी ने कहा इस बार किसी से गठबंधन नहीं होगा। देखिए, प्रियंका जी ने ये भी कहा, तो ये भी कहा था कि यदि कोई अगर हमारी विचारधारा से सहमत है, हमारे मुद्दों पर सहमत हो, तो वो आ सकता है। पर हम सक्षम हैं, इस बात को मैं दोहराना चाहती हूँ, पूरी मजबूती से कहना चाहती हूँ कि हम सक्षम हैं। हम अपने मुद्दों को लेकर के, किसानों के, बेरोजगारों के, महिलाओं के, आपने देखिए जो प्रतिज्ञाएं प्रियंका जी ने जो अपनी 8 प्रतिज्ञाएं दी हैं, उसमें हर वर्ग को, हर किसी को के लिए हमने बात करी है। और सबसे प्रमुख बात ये कि केवल वो वायदे नहीं है, वो प्रतिज्ञा है, जिसमें से एक प्रतिज्ञा हमने चुनाव के पहले पूरी करने की बात की। हम 40% महिलाओं को पार्टी में टिकट दे रहे हैं, ताकि महिला को केवल संवेदना नहीं चाहिए, उसको अधिकार चाहिए और वो लॉ मेकर बने। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है और मैं लगता है पूरे देश में एक नई राजनीति की चर्चा शुरू हुई है। विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस कितनी आशान्वित है कि लगभग कितनी सीटें होंगी, क्या रिजल्ट आएगा? क्योंकि पिछले आप खुद कह रही हैं 30-32 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है, और देखा जाए तो चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की सीटों की संख्या कम ही होती रही है। मैं निश्चित रूप से इसको स्वीकार करती हूँ कि हमारा जनाधार घटा है और कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी कमियां रही हैं, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हम लगातार 2-2.5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसके परिणाम भी हमें दिख रहे हैं। जिस तरह का जनाधार हमको आज प्रियंका जी जब आती हैं तो दिखाई देता है, मीटिंगों में दिखाई देता है, जो उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में है, जनता के बीच में जो भीड़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारा दूर चला गया था जनाधार, वो हमें पास आता नज़र आ रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहती कितनी सीटें आएंगी, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में के जनता के बीच में जो लोकतंत्र का, जनतंत्र का जो परिणाम आएगा, उसको स्वीकारते हुए ये ज़रूर कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ही सबसे मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। और हम पूरी विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनेगी तो बिना कांग्रेस के नहीं बन सकते। तो ये थी उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, जिनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने काफी मेहनत की, उसके कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है, और जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे उनमें सीटों की संख्या तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एक बात जरूर तय है कि कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी और कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ रजत सिन्हा।